हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि मैं उसका नाम लिख देता हूं इधर, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इससे पहले ना हमने एक टॉपिक पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को तोड़ना। ठीक है, तोड़ने का मतलब है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें डिवाइड करना। लेकिन फिर हमने वहाँ पे बात की कि भाई कंपोनेंट तो बड़े हो सकते हैं, इन्फिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं, तो फिर हम उसमें कैसे कर सकते हैं। हमने उसका नाम थोड़ा चेंज किया। हमने कहा भाई नहीं, हमने वैक्टर को रिजॉल्व करना है लेकिन उसके कौन से कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर में, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि हमने कहा था कि हम एक वेक्टर को, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये रेड कलर की लाइन एक वेक्टर को इंडिकेट कर रही है, तो इस वेक्टर को कुछ ऐसे तोड़ा जाए कि इस वेक्टर की वो वैल्यू जो एक्स में है और वो वैल्यू जो वाई में है हमें सिर्फ मिल जाए। तो हमने फिर उन कंपोनेंट्स का नाम दिया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। याद आया कुछ? अब क्या है, अब हमने वेक्टर को डिटरमाइन करना है, बनाना है, दोबारा बनाना है वेक्टर के कंपोनेंट से। फिर बात वही आ गई कि हमारे पास अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये रहे कंपोनेंट, ये रहे कंपोनेंट, ये रहा कंपोनेंट, ये रहा कंपोनेंट, सॉरी इसको ऐसे करके बना, ये रहा कंपोनेंट, उसके बाद इसको कुछ यूं करके बना लो, ये रहा। तो हमने अब इनको जोड़ना है, ये आ गया, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं, इसको यूं आ गया, फिर इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, और ये इसका रिजल्टेंट यूं बन गया। याद आया? लेकिन अब हमने वेक्टर को डिटरमाइन करना है कहाँ से, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट हमें दे दिए जाएंगे, वही कंपोनेंट जो हमने बनाए थे वेक्टर को तोड़ के। क्या किया था आपने? कहा था सर यहाँ पर आपने लगाई थी प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे करके, और इसका जो ऐसे साया कर बना था वो इस जगह पर इसका शेडो बना था ये एक्स पर। तो मैंने कहा था अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसका वो कंपोनेंट होगा जो एक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका नाम होगा ए एक्स। ठीक है, और इसी तरह अगर प्रोजेक्शन को इधर लगाया जाए, यानी कि लाइट को इधर लगाया, तो इसका साया कुछ यहाँ पर ऐसे करके पड़ा था ए यूं करके। याद आया? और आपने कहा था सर ये इसका वो कंपोनेंट है, यानी कि ए की वो वैल्यू जो कहाँ पर है, वाई पर, ए वाई जे और ए एक्स आई। याद आया? लेकिन अब क्या है, अब वो कहता है कि हमने आपको कंपोनेंट्स देने हैं लेकिन रेक्टेंगुलर, इसका मतलब है ये कंपोनेंट नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। और चूंकि सिलेबस में दो हैं तो हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। हमें अब वो कहेगा कि भाई आपको दो एक्स कंपोनेंट भी दे रहा हूँ और एक वाई कंपोनेंट भी दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक्स कंपोनेंट कौन सा है? वो कहता है सर ये आपको ए एक्स कंपोनेंट दे दिया जो कि ए कॉज ऑफ थीटा है, और इसी तरह आपको ए वाई कंपोनेंट भी दे रहे हैं जो कि है ए साइन ऑफ थीटा। तो आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए वेक्टर को ढूंढना है। अब हमें पता है वेक्टर में दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ क्या होगी, साथ इसके डायरेक्शन। तो अब आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ढूंढना है। तो इसी डायग्राम को कुछ हम बनाएंगे यूं ही, लेकिन बनाने का अंदाज डिफरेंट हो जाएगा, बनेगी यही अभी भी लेकिन अंदाज डिफरेंट होगा। क्या होगा? वो कहेगा कि ये आपके पास है सर दो कंपोनेंट्स, ये वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट है। अब आपने इन दो कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर को ढूंढना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देना और डायरेक्शन भी। लो भाई, ये हम इसको ले जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है। इसके अंदर हम आपको, और आपको पता है कि इसको वाई पे ड्रा कर देंगे एज सच। तो ये लें जी, सॉरी, इसको हमने एज सच वाई पे ड्रा कर दिया। ठीक है, और इसको एज सच एक्स पे रखेंगे, ये इसको एक्स पे रख दिया। अब आपको पता है कि वेक्टर को जब भी हमने निकालना होता है तो हम हेड टू टेल लगाते हैं, चाहे कंपोनेंट्स आम हो, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो, तो हम पकड़ के इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। लो जी, इसको उठाकर इधर से हमने इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक इसके हेड पर इसकी क्या रख देनी है, टेल। तो जब हमने इसके हेड पर इसकी टेल रख दी, किसकी, ए वाई जे की, तो हमारी बुक ने इसे नाम दिया इस पॉइंट को ओ,
इसको नाम दिया है m और इसको नाम दिया है n, ठीक है, तो ओ एम एन। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि पहले की टेल और आखिरी का हेड, तो चूंकि दो कंपोनेंट है तो पहले की टेल और दूसरे का हेड, तो इनको आपस में मिला दिया जाए। अब ठीक है, लो हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये जो वेक्टर बना है, इस वेक्टर का नाम क्या होगा जी? वेक्टर ए। अब आपको पता है कि वेक्टर ए का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ ना कुछ क्या होगी? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए थीटा भी हमें निकालना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड के लिए इसकी वैल्यू ए को निकालना पड़ेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कैसे निकालें? यहाँ पर हम एक रूल लगाएंगे जिसे कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, फिसागोरस जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, मसला फिसागोरस। अब उसके मुताबिक हम देखेंगे कि ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है और ये वाली चीज़ क्या है। तो आप गौर करो, तो ये वाली चीज़ हाइपोटेनस, दिस इज बेस, थीटा के साथ जो चीज़ होती है वो बेस और थीटा के सामने जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर। तो हम ज़रा वो लगा कर देखते हैं, हमने ए को निकालना है। तो यहाँ पर ए किसके बराबर आता है? तो ए बराबर आता है हाइपोटेनस, और हमारे पास उस फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ओ से इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम एन क्यू रख देते हैं। तो ये क्या है? अच्छा, ये जो नाम होते हैं ना, ये ओ एम एन, इसका तो ओ होता है ओरिजिन, आपको पता है, एन एम क्यू, ये आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी रख सकते हो। बुक ने आई थिंक इसको एम का है या एन का है, तो वो आपने देख लेना है, वो उसमें आपने घबराना नहीं है। तो हाइपोटेनस किसके बराबर है? वो है जी ओ क्यू का स्क्वायर। बेस किसके बराबर है? बेस है ओ एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है? एम क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू बराबर है ए के स्क्वायर, ठीक है। ओ एम किसके बराबर है? ओ एम बराबर है ए एक्स, ठीक है। और ओ एम क्यू किसके बराबर है? यहाँ से एम क्यू, अच्छा जे और आई क्यू नहीं ले रहा क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए, तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। हाइपोटेनस का मतलब है इसकी लेंथ, तो वो लेंथ किसके बराबर होगी? हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो ओ एम क्यू किसके है? ए वाई का स्क्वायर। तो अगर मैं इस साइड का अंडर रूट खत्म करूं या दोनों साइडों पर अंडर रूट अप्लाई करूं, तो इससे कट गया, तो ए बराबर आ गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो यहां से आपको पता लग गया कि हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देना और इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देना, वो उसका अंडर रूट लेना है, तो वो आ जाएगा ए। ए मीन्स कि हमारे वैक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर लिया। अब वैक्टर के लिए तो दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गया, क्या चीज़ रह गई? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? अब डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लेकिन कौन सी लगाएं? अब हमारे पास चीज़ें दो हैं, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो हमने साइन और कॉस पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, अब हम इधर देखते हैं हमारी थर्ड। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? वो है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? एम क्यू। बेस क्या है? ओ एम। तो ज़रा टेन थीटा इज इक्वल टू एम क्यू क्या है? ए वाई, और ये क्या है? ए एक्स। तो ज़रा यहाँ से थीटा देखें, तो ये मैथ है थोड़ी सी कि जब ये टेन थीटा इधर है ना, तो टेन जब दूसरी साइड पे जाता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, तो इसे कहते हैं टेन इन्वर्स। टेन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ से आप ए वाई की वैल्यू को ऊपर रखोगे क्योंकि वो उसने आपको देनी है वो वाली वैल्यू, नीचे ए एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो रख के उसको आंसर को आपने लिख लेना है, उसके बाद कैलकुलेटर पे टेन इनवर्स दबा के आगे ये वैल्यू लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास थीटा आएगा। तो यहाँ से आपने उसकी डायरेक्शन को भी इजीली क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। इस टॉपिक को, ये जो आपके पास ये पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने तैयार तो करना है लेकिन इसको अंडरस्टैंड लाजमी करना है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड हो किसी भी वेक्टर का वो कैसे निकलेगा, या आपने फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट का स्केयर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सेकंड का स्केयर और उनका अंडर रूट ले लेना, तो आपको जुबान नहीं आना चाहिए ये। और सेम डायरेक्शन के लिए, कि डायरेक्शन के लिए क्या होता है? टेन इनवर्स, वाई कंपोनेंट ऊपर और एक्स कंपोनेंट नीचे। तो बस इसको छोटे से को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है जी। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बताएं। थैंक यू।